नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आचार्य रितेश पांडे पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं या अपने जीवन में आने वाले समस्या से परेशान रहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सभी प्रकार के समस्या का समाधान बताया जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 20 सितंबर 2023 भाद्रपद के बुधवार को करें ये आसान सा उपाय। भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से इतना धन आएगा कि 7 पीढ़ी भी करेंगे। आपके पैसों पर राज। बुधवार का दिन बहुत ही विशेष और विशेष दिन है। घर परिवार की सुख शांति समृद्धि की बढ़ोतरी, बिजनेस को अनजान खतरों से बचाने के लिए, जीवन के हर कदम पर सफलता हासिल करने के लिए भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस भाद्रपद बुधवार के दिन उन आसान से उपायों को कर लेना चाहिए जो हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। क्योंकि भाद्रपद बुधवार के दिन आप थोड़े से समय का उपाय करते हैं जिसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं, तो पर आपको भगवान श्री गणेश के साथ माता रानी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके पश्चात आपके जीवन के हर कष्ट परेशानी से आप लोग मुक्त हो जाएंगे और आपके जीवन में आपकी नौकरी आपको मिलेगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, संतान भी आपको हासिल होगी। जिस प्रॉपर्टी को आप खरीदने के लिए परेशान थे वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। कुल मिलाकर जीवन के हर कदम पर आपको कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, देखा गया है हर मांगलिक काम में देवी देवताओं में सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा जाती है, इसीलिए भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य भी कहा जाता है। वैसे तो कई ग्रंथों में भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य होने के कई कारण, परंतु आप यदि हर ग्रंथ को पढ़ते हैं तो सबका सारांश यही निकल करके आएगा कि भगवान गणेश की पूजा यदि किसी भी शुभ कार्य के पहले की जाए तो हमको उस कार्य में अवश्य ही सफलता हासिल होती है। धर्मशास्त्र और पौराणिक ग्रंथों के किसी भी पंक्ति में ऐसे शुभ दिन जिस दिन भाद्रपद बड़ा बुधवार पड़ता है, इस दिन थोड़े से उपाय पूजा पाठ भगवान श्री गणेश जी के लिए कर लें तो उस व्यक्ति को भगवान श्री गणेश के साथ साथ माता रानी जी का वो मिलता है जिसके पश्चात वह व्यक्ति यदि मिट्टी को भी छू दे तो मिट्टी को सोना बना देता है। जिस भी कार्य को वह शुरू करेगा उसमें उसको सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर उस व्यक्ति के जीवन से हर प्रकार की कठिनाइयां समस्या अपने आप ही दूर हो जाएगी और वह व्यक्ति कामयाबी की हर ऊंचाइयों को चढ़ता वह चला जाएगा। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये बुधवार का दिन जो आया है ये पूरे 21 साल पश्चात आया है। इस दिन आपने हमारे बताए हुए आसान उपाय कर लिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए आपके जीवन की हर तरह की परेशानी खत्म हो जाएगी और भगवान श्री गणेश जी और माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा। और दोस्तों, यदि भी चाहते हैं कि भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आशीर्वाद से आपके घर पर धन की वर्षा हो, आपके घर पर हर व्यक्ति को कभी भी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, आपके घर की बरकत हो, उन्नति हो, भगवान श्री गणेश और माता रानी जी आपके घर पर करने आए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे सच विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए भगवान गणेश जय माता दी। दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई ऐसा उपाय पता चलता है जिससे आपको कोई लाभ हो सके, वो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से शीघ्र ही बता देंगे। इसलिए दोस्तों अपनी राशि कमेंट बॉक्स में अवश्य ही डाल दीजिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम आपको वीडियो की शुरुआत में की बता चुके हैं कि ये भाद्रपद बुधवार का दिन है, ये एक माह बुधवार है, मतलब ये कोई सामान्य सा बुधवार नहीं है। इस दिन यदि आप थोड़ी सी भी पूजा पाठ उपाय करेंगे तो साक्षात भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आपको वरदान हासिल होगा, जिससे आपके जीवन की जहां पर एक तरफ सारी समस्याएं खत्म होंगी, दूसरी तरफ आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों आपको बहुत आसान से उपाय बताने आ रहे हैं जिसको बस आपको सही मुहूर्त पर करना है। मुहूर्त का मतलब ये होता है दोस्तों, देखिए एक बात का समझ लीजिएगा, मुहूर्त का मतलब ये होता है कि सही मुहूर्त पर यदि पूजा पाठ कर ली जाए तो माना यही जाता है कि हमारी पूजा शीघ्र ही सिद्ध हो जाती है और उसका हमको लाभ शीघ्र ही मिल जाता है।
और आपको हम बता ही चुके हैं, ये बुधवार का दिन पूरे 21 साल पश्चात आया है। इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया खाली जा ही नहीं सकती, विफल हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, आप अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार का भला चाहते हैं तो इन उपायों को अवश्य ही कर लीजिएगा, ताकि इन उपायों को करके आप अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार का भला कर सकें, आपके घर की बरकत हो सके, उन्नति हो सके, आपके घर से हर प्रकार की परेशानी दूर चली जाए। तो चलिए दोस्तों, आपको हम उपायों के बारे में बताते हैं, इसलिए इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए। और दोस्तों, आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक मत भूलिएगा। तो सबसे पहला उपाय है जीवन से दरिद्रता को नष्ट करने का महा उपाय। दोस्तों, मान लीजिए किसी कारणवश आपके पीछे आपकी दरिद्रता पड़ी हुई है, आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है जिसकी वजह से आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिल पा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत आसान, हमारे हिंदू धर्म में जो महा बुधवार के को अवश्य ही करना चाहिए, भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद हासिल करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, गाय को हिंदू धर्म में दैवीय तुल्य माना गया है, हिंदुओं में गाय की पूजा की। यदि ऐसे में आप 22 अगस्त 2023 बड़े बुधवार के दिन किसी भी गाय को हरी घास खिला दे, तो मान के चलिए आपके जीवन में चल रही है दरिद्रता का जो प्रकोप होगा वो धीरे धीरे नाम मात्र हो जाएगा। यहां पर आपको भगवान गणेश के साथ माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मान के चलिए दोस्तों, जो दरिद्रता है वो आपसे दूर चली आएगी। और माना यह जाता है सिर्फ हरी घास यदि वहां बुधवार के दिन खिला दिया जाए तो इससे आपकी दरिद्रता सौभाग्य मिल जाती है। दूसरा उपाय है दोस्तों, बुध ग्रह की मजबूती का उपाय। बुध ग्रह जिस भी व्यक्ति का मजबूत होता है, मान के चलिए दोस्तों, वह व्यक्ति किसी भी कार्य को शुरू करेगा, उस कार्य में उस व्यक्ति को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका बुध ग्रह मजबूत हो तो एक महा उपाय हम आपको बताने वाले हैं, अरे जो बहुत आसान सा उपाय है, और उसको आप करते हैं तो मान के चलिए अवश्य ही आपका बुध ग्रह मजबूत हो जाएगा। आपके पूजा घर पर यदि भगवान श्री गणेश की मूर्ति है तो अच्छी बात है, मूर्ति नहीं है तो एक काम कीजिएगा, सफेद रंग की मूर्ति भगवान श्री गणेश की अवश्य ही ले आइए। अब आपको करना यह है दोस्तों, भगवान गणेश की मूर्ति के पश्चात आपको उनको सिंदूर से तिलक लगाना है, ही तिलक का आपको धारण कर लेना है। यही प्रक्रिया आपको प्रत्येक बुधवार को नहाने धोने के पश्चात करनी होगी। यदि प्रत्येक बुधवार को आप यह क्रिया करते हैं तो मान के चलिए अवश्य ही आपका मजबूत हो जाएगा। आप अपने कार्य संबंधित जो भी निर्णय लेंगे, यहाँ पर साक्षात भगवान गणेश का आपको आशीर्वाद मिलेगा और आप अपने कार्यों में सफल होते ले जाएंगे। तीसरा उपाय एक ऐसा उपाय है दोस्तों, जिसको यदि आप करते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में धन हासिल ही बहुत आसान हो जाएगी और धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। मान लीजिए दोस्तों, पहले आपके पास धन आ रहा था, फिर धन आते आते बंद हो गया, तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसके कई कारण हो सकते हैं कि अवश्य आपने ऐसी कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से भगवान गणेश का आपको आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा है, माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई, तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत आसान सा उपाय है, आपकी पूजा घर पर आपको चढ़ानी होगी, भगवान श्री गणेश को ध्यान रखिएगा। दोस्तों, 21 चढ़ाने के पश्चात एक बार गणेश चालीसा का पाठ अवश्य ही कर लीजिएगा। इस महा बुधवार को ऐसा करने भर से आपको भगवान श्री गणेश के साथ माता लक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, धन संबंधित जो भी आपके साथ हैं, कुल मिलाकर आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। चौथा उपाय है दोस्तों, में बंद पड़े व्यापार को चलाने का उपाय। मान लीजिए पहले आपका चल रहा था, फिर आपका व्यापार एकदम ठप पड़ गया, अब आप इस चीज से बहुत परेशान हैं, तो दोस्तों आपको बस वही करना है जो आपको हम बताने वाले हैं। यहां पर आपको साक्षात भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का वरदान, इकलौता आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों, मूंग की दाल लेनी है और मूंग की दाल जो होनी चाहिए वो हरी होनी चाहिए। एक लोटा मूंग की दाल लेकर के शाम से पहले आपको किसी भी मंदिर जाना है, माता रानी जी के माता के मंदिर के बाहर जो भी भिखारी बैठे हो उस मूंग की दाल को उनको दान कर देना है। ध्यान रखिएगा, दान दाएं हाथ से करना होगा आपको। यदि आपने इतना भर कर दिया तो आपके व्यापार में जो भी बाधाएं हैं
जिसकी वजह से आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है, वह वापस से दौड़ पड़ेगा, चल पड़ेगा। चौथा उपाय बताने आ रहे हैं जो हम आपको, वह है नौकरी हासिल का महा उपाय। यदि आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं परंतु आपकी नौकरी नहीं है, आप अपने जीवन में इस चीज को लेकर बहुत परेशान हो गए हैं, आप यह देख रहे हैं आपसे कमजोर व्यक्ति की नौकरी लग गई, तो आपको क्या करना चाहिए? एक माह हम आपको बताने आ रहे हैं, ये कर लीजिए जो सिर्फ बुधवार के दिन यदि आप कर लेते हैं तो भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा और अवश्य ही आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। 3 नारियल खरीद के लाए, ध्यान रखिएगा जो ये नारियल लेकर के आ रहे हैं, ये वाला नारियल होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए, उसमें पानी पानी वाला नारियल होना चाहिए, सूखा नारियल नहीं होना चाहिए। 3 नारियल खरीद के लाएं पूजा घर पर, आपको शाम से पहले इन 3 नारियल पर स्वास्तिक का निशान बनाना है। एक नारियल किसी भी माता रानी जी के मंदिर में दान कर दीजिए, दूसरे नारियल को बहते हुए पानी में बहा दीजिए और तीसरे नारियल को किसी भी हवन कुंड में डाल दीजिए, क्योंकि कल बहुत सी जगह है, बहुत सी मंदिरों में हवन कुंड चलेगा। आप बस इतना करना है, शाम से पहले मान के चलिए जो भी बाधाएं, जो भी दिक्कतें हैं आपकी नौकरियां में आ रही थी, वह बाधा दिक्कतें हट जाएंगी और आपकी नौकरी आपको मिल जाएगी। दोस्तों यह उपाय अवश्य ही कर लीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि भगवान श्री गणेश और आपको माता रानी जी का वरदान मिले, दोस्तों आखिरी उपाय बताने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है, आपने वीडियो लाइकन ही किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आखिरी उपाय बहुत ही आसान सा उपाय है। सबसे पहले आपको एक लाल पोटली लेनी है, एक मुट्ठी मूंग की दाल, 11 काली मिर्च, 2 इलायची लेनी है। इस पोटली को आपको मौली धागे से बांध लेना है। अब आपको पूजा घर पर बैठना है, यहाँ पर बैठने के पश्चात एक दिया जलाना है, देसी घी का, गाय के दूध से बना हुआ देसी घी का आपको दिया जलाना है। इसमें जैसे ही जल जाए शीघ्र एक लौंग डाल दीजिए, ताकि आपके जीवन में धन संबंधित जो भी समस्याएं आ रही हैं वो इतना, यदि आपने दिया इसके पश्चात, आपको 11 बार गणेश चालीसा का पाठ करना है, इतना करने के पश्चात या पोटली जो आपने बनाई है, इस पोटली को भगवान श्री गणेश के दाएं चरणों से छुआ करके अपने धन स्थान पर रख दीजिए। धन स्थान का मतलब है अलमारी, तिजोरी, या आप जहां से पैसे का लेन देन करते हैं, अपनी दुकान वगैरह पर वहां पर रख दीजिए। इतना यदि आपने कर दिया, आपके जीवन में धन संबंधित सारी परेशानियां जड़ से नष्ट आएंगी, आपके धन खींचा चला आएगा, जो धन आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, और आप अपने जीवन में बहुत ही कामयाब होंगे। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद। वीडियो के अंत तक बने रहें।